दोस्तों रामायण में मंथरा का किरदार निभाने वाली ललिता पवार ने फिल्मों में काफी बेहतरीन काम किया, लेकिन आपको बता दें कि वह एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी और उन्हें कभी भी स्कूल जाने की परमिशन नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की और उन्हें बाद में कई सारे लीड रोल में भी देखा गया। एक वक्त आया जब ललिता पवार को विलेन के रूप में देखा गया, लेकिन वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही। बताया जाता है कि ललिता पवार को कभी भी स्कूल जाने नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय लड़कियों का स्कूल जाना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन फिर भी ललिता पवार ने 9 साल की उम्र में ही फिल्म राजा हरिश्चंद्र में अपना एक्टिंग डेब्यू कर लिया था और इस फिल्म में उन्होंने काफी छोटा रोल अदा किया, लेकिन फिर भी उनकी एक्टिंग लोगों को इतनी पसंद आई कि इसके बाद उन्हें फिल्म में मिलना शुरू हो गई। ललिता पवार कुछ ही सालों में फिल्म इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा घुल मिल गई कि उन्होंने 16 साल की उम्र में ही कैलाश नामक फिल्म बना डाली। हालांकि यह फिल्म एक साइलेंट फिल्म थी और इसके बाद में उन्होंने कई सारे हिट फिल्मों में भी काम किया, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि ललिता पवार से सब कुछ छिन गया। आपको बता दें कि 1942 में एक्ट्रेस को चंद्रराव की फिल्म जंगे आजादी में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में भगवान दादा को डायरेक्शन का काम सौंपा गया था, इस वजह से वह ललिता को शूटिंग के लिए मुंबई लेकर आ चुके थे। इस फिल्म में ललिता पवार को मुखिया की बेटी का किरदार निभाना था और जैसे ही शूटिंग शुरू हुई उसमें एक मुखिया दूसरे मुखिया की लड़की को उठा ले जाता है और इस सीन में भगवान दादा को ललिता को थप्पड़ मारना पड़ता है, लेकिन भगवान दादा ललिता को थप्पड़ इतनी जोर से मार देते हैं कि वह बेहोश हो जाती है। सभी को लगता है कि ललिता शूट के लिए बेहोशी का नाटक कर रही है, लेकिन एक्ट्रेस के कान से खून आने लगता है और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जिसके बाद में ललिता का इलाज चलता है और डॉक्टर उन्हें गलत दवाई दे देते हैं, जिसकी बदौलत उनके दाहिने भाग को लकवा मार जाता है। लकवे की वजह से उनकी दाहिनी आंख भी पूरी तरीके से सिकुड़ जाती है और उनका पूरा चेहरा ही खराब हो जाता है। यह एक ऐसा दौर था जब ललिता पवार का पूरा करियर बर्बाद हो गया और उनके हाथ में जो फिल्में थी वह चली गई और कई सालों तक उन्हें काम भी मिलना बंद हो गया। ललिता पवार को पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 3 साल का समय लगा। ललिता पवार को यह बात पता थी कि उनकी एक आंख खराब होने की वजह से उन्हें अब लीड रोल नहीं मिल पाएगी। एक्ट्रेस ने अपने गुरु की बात मानते हुए एक बार फिर से नई शुरुआत की। एक्ट्रेस ने इसके बाद में फिल्म गृहस्थी में काम किया और जालिम सास के रूप में नजर आई, जिसके बाद में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। 1987 में रानानंद सागर की टीवी पर आई रामायण में उन्होंने मंथरा का किरदार निभाया, जिसके बाद में उन्हें घर घर में जाना जाने लगा और उनकी आखिरी फिल्म लास्ट बताई जाती है। अगर हम ललिता पवार की निजी जिंदगी के बारे में बात करें, आपको बता दें कि उनके पहले पति गणपंत उनको धोखा देकर चले जाते हैं और ललिता की छोटी बहन से उनको प्यार हो जाता है। इस बात का पता ललिता को चल जाता है और वह अपने पति को छोड़ देती है, लेकिन बाद में एक्ट्रेस फिल्म निर्माता राजप्रकाश गुप्ता से शादी कर लेती है, जिससे उनको एक बेटा होता है। ललिता पवार ने अपने पूरे करियर में 700 फिल्मों में काम किया और काफी लोगों के दिलों पर राज भी किया। इतना ही नहीं, 24 फरवरी 1998 को पुणे में अपने छोटे से बंगले अरोही में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि उन दिनों उनके पति राजप्रकाश अस्पताल में एडमिट थे और उनका बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहा था। ललिता पवार के निधन की खबर लोगों को 3 दिन बाद लगी। उनके बेटे ने उन्हें फोन किया, लेकिन उनका फोन नहीं लगा और उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। इसी वजह से घर का दरवाजा तोड़कर पुलिस उनके घर में घुसी और उनके 3 दिन तक पुराने लाश बरामद हुई। वेल दोस्तों, आपको ललिता पवार की एक्टिंग मंथरा के रूप में कैसी लगी थी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय।